नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिजली के मामले में अब आत्मनिर्भर बनेगा बिहार। बीपीएससी ने स्वास्थ्य विभाग में निकली 1339 भर्तियों को किया रद्द। सोलर सिस्टम से जुड़ेगा हर घर नल जल योजना। स्कूलों के प्रारंभ और बंद होने की सीमा पर विभाग लेगा निर्णय। पीसीबी ने बीसीसीआई को अपनी टीम पाकिस्तान भेजने के लिए मनाने का काम आईसीसी पर छोड़ा। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक के बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिजली के मामले में अब आत्मनिर्भर बनेगा बिहार। अब बिहार को भविष्य में बिजली आसानी से मिलेगी। दरअसल भागलपुर के पीरपैंती में सुपर थर्मल पावर प्लांट बनेगा, जिससे बिजली के मामले में बिहार आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। यहां 800 मेगावाट की 3 इकाइयों का निर्माण होगा, जिससे 2400 मेगावाट बिजली पीरपैंती से उत्पादित हो सकेंगे। 600 मेगावाट बिजली हर साल खपत में बढ़ोतरी हो रही है। अब पीरपैंती का पावर प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा, तब इस खपत को पूरा किया जा सकेगा। इसके निर्माण से बिहार को खुले बाजार या निजी कंपनियों से भी बिजली लेनी नहीं पड़ेगी। बीपीएससी ने स्वास्थ्य विभाग में निकली 1339 भर्तियों को किया रद्द। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने बिहार के स्वास्थ्य विभाग में निकली 1339 भर्तियों को रद्द कर दिया है। इसे रद्द करते हुए बीपीएससी ने अपने आदेश में कहा है कि स्वास्थ्य विभाग बिहार के अंतर्गत राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पतालों में 23 विभागों के अधीन सहायक प्राध्यापक के कुल 1339 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए 20 जून को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 34/2024 MS/56/2024 को विभागीय पत्रांक 649 22 जुलाई के आलोक में तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। बिहार में भी अपना डेटा सेंटर खोलेगी ये बड़ी आईटी कंपनी। देश की बड़ी आईटी कंपनियों में अपनी जगह बनाने वाली कंट्रोल एस बिहार आने वाली है। इसके लिए बियाडा ने इस कंपनी को पटना के पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया में 1 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई है। आपको बता दें कि डेटा सेंटर और क्लाउड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में इस कंपनी को विशिष्टता हासिल है। डेटा सेंटर का काम कर रही है पहली ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो बिहार में अपना सेंटर खोलने वाली है। आपको बता दें कि इस कंपनी के देश में 15 से अधिक डेटा सेंटर हैं, जिसमें से एक बिहार में भी अब खुलने वाला है। सोलर सिस्टम से जुड़ेगा हर घर नल जल योजना। हर घर नल जल योजना को सोलर सिस्टम से जोड़ने की तैयारी है, ताकि इस योजना में होने वाली गड़बड़ी को दूर किया जा सके। साथ ही इस योजना के तहत विशेष प्रकार के नल लगाए जाएंगे, जैसे एक बार दबाने पर कुछ समय बाद ये खुद ही बंद हो जाएगा और इससे पानी भी बर्बाद नहीं होगा। इसकी जानकारी विधान परिषद में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने दी है। दरअसल गया, जहानाबाद और अरवल जिले में हर घर नल का जल योजना से जुड़ा तारांकित प्रश्न कुमार नागेंद्र द्वारा पूछा गया था, जिसका मंत्री नीरज कुमार बबलू ने जवाब दिया। मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के खिलाफ लाया जाने वाला अविश्वास प्रस्ताव होगा खत्म। अब बिहार के नगर निकायों में मुख्य पार्षद यानी महापौर और उप मुख्य पार्षद या उप महापौर का कार्यकाल 5 साल तक होगा। बिहार सरकार ने इसके खिलाफ 2 साल के अंतराल पर लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव को खत्म कर दिया है। इसके लिए बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 को विधानसभा से पारित किया गया है, ताकि महापौर और उपमहापौर अपने पद पर 5 साल तक बने रह सकें। इस विधेयक को नगर विकास मंत्री नितिन नवीन द्वारा पेश किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का निर्वाचन प्रत्यक्ष कानूनी तौर पर हो रहा है, ऐसे में इनके खिलाफ लाया जाने वाला अविश्वास प्रस्ताव को खत्म करना जरूरी है। सीओ की सांकेतिक हड़ताल खत्म। अब प्रदेश में दाखिल खारिज का काम होगा शुरू। सीओ की सांकेतिक हड़ताल बिहार राजस्व सेवा संघ के आह्वान पर खत्म हो चुकी है। अब अंचल कार्यालयों में दाखिल खारिज का काम तेजी से होगा। ये काम 18 जुलाई से ही बंद था। हालांकि कार्यालय में आरटीपीएस में प्राप्त आवेदन, आपदा संबंधित अन्य काम चल रहा था। आपको बता दें कि हर रोज 600 से 700 मामलों का निपटारा पटना जिले के सभी 23 अंचल कार्यालयों में देखने को मिलता है। बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पॉक्सो ई बटन पर दर्ज हुई इतनी शिकायतें। पॉक्सो ई बटन की शुरुआत हुई है, ताकि यौन शोषण और यौन अपराधों से बच्चों को बचाया जा सके। इसके जरिए जनवरी से जून तक यानी पिछले 6 महीने में 10,543 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। पॉक्सो ई बटन की ये सुविधा बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वेबसाइट पर दी गई है।
इस पर शिकायत करने वाले अधिकतर वैसे अभिभावक रहे जिनके बच्चे के साथ स्कूल के शिक्षक और परिवार के लोगों ने यौन शोषण किया था। पॉक्सो से संबंधित शिकायत वाले ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन के जरिए किया जाता था, लेकिन अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा ई बटन की सुविधा दी गई है। स्कूलों के प्रारंभ और बंद होने की सीमा पर विभाग लेगा निर्णय। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद में मंगलवार को एक प्रस्ताव के जवाब में कहा कि स्कूलों के प्रारंभ और बंद होने की समय सीमा पर विभाग दो दिनों में निर्णय लेगा। सुबह 9 बजे से स्कूल संचालन 2013 से 2021 तक होता रहा है, इसकी समीक्षा कर विभाग इस मामले का निष्पादन करेगा। वहीं जदयू के डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने प्रस्ताव रखा था कि बिहार विधानमंडल में मुख्यमंत्री द्वारा विद्यालय संचालन की अवधि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक करने की घोषणा की गई थी, लेकिन इस पर अमल करने की जगह विभाग शिक्षकों के वेतन में कटौती कर रहा है। वहीं विशिष्ट शिक्षकों को स्वैच्छिक और ऐच्छिक स्थानांतरण के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि महिलाओं और दिव्यांगों को उनकी सुविधा के मुताबिक नजदीक में पोस्टिंग दी जाएगी। शिक्षकों को कम से कम परेशानी हो इसे ध्यान में रखकर स्थानांतरण किया जाएगा। इस दौरान मानवीय पहलुओं को प्राथमिकता मिलेगी। बेगूसराय के दरोगा के घुसखोरी का वीडियो वायरल। बेगूसराय के बलिया थाना में तैनात एसआई धनंजय पांडे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था। इस वीडियो में दरोगा एक युवक से 10,000 देने को कह रहा है और वहीं युवक दरोगा से 3,000 से 4,000 रुपये में काम चलाने की बात कर रहा है। इस पर दरोगा धनंजय पांडे कहता है कि कम नहीं होगा, आपको परेशानी होगी। दरोगा के रिश्वतखोरी का ये वीडियो वायरल होते ही एसपी ने दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। दरोगा के सस्पेंड किए जाने के बाद से ही पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इस वीडियो को लेकर जानकारी मिली है कि 12 जुलाई को लक्ष्मण कुमार के खिलाफ एक ग्रामीण ने मारपीट का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया था। हालांकि मामले दर्ज नहीं हुए और जांच के लिए रखा गया था। लक्ष्मण कुमार ने दरोगा धनंजय पांडे पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उससे 10,000 रुपये की डिमांड की थी। इस परियोजना से कोसी सीमांचल की बदलेगी सूरत। कोसी और सीमांचल की बहुप्रतीक्षित कोसी मेची अंतरराज्यीय नदी परियोजना पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा 20 से अधिक योजनाओं को भी मूर्त रूप देने की तैयारी है, जिससे कोसी और सीमांचल का विकास होगा और इस क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा बजट में 11,500 करोड़ रुपये दिए गए हैं। मालूम हो कि इस क्षेत्र में बाढ़ की समस्या हर साल बनी रहती है और इसकी सहायक नदियों में बाढ़ के कारण आसपास के इलाके भी डूबे रहते हैं। इस दौरान सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को होता है और आवागमन भी ठप रहते हैं। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा इन सभी चीज़ों पर ध्यान देते हुए बजट पेश किया गया है। इस परियोजना से सिंचाई की सुविधा अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों में पहुंचाई जाएगी और जल प्रबंधन भी सही तरीके से किया जा सकेगा। भागलपुर में नए हवाई अड्डे का निर्माण को लेकर रास्ता हुआ साफ। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में भागलपुर में नए हवाई अड्डे बनाने का रास्ता साफ हो चुका है। केंद्र सरकार जमीन अधिग्रहण करने के बाद राशि को जारी कर देगी। भागलपुर और राजगीर में एयरपोर्ट के निर्माण का प्रस्ताव बिहार सरकार द्वारा रखा गया था। नए हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भागलपुर में 475 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाने का निर्देश मिला है। हवाई अड्डे के लिए इस जमीन को चिन्हित किया गया है, वो शहर से नजदीक है, साथ ही बगल में फोर लेन गुजर रहा है। अगर इस प्रस्ताव को बिहार सिविल विमानन निदेशालय स्वीकृत कर लेता है तो विभाग से राशि की मांग होगी। इसके बाद जमीन अधिग्रहण के काम को पूरा किया जाएगा। आईएएस संजीव हंस को लेकर हुए कई खुलासे। सीनियर आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव को लेकर कई खुलासे सामने आ रहे हैं। पटना एसएसपी की रिपोर्ट्स में रिजॉर्ट से लेकर मर्सरीज तक की चर्चा देखने को मिली है। इन्होंने अपनी काली कमाई से चंडीगढ़ में 95 करोड़ का रिजॉर्ट खरीद रखा था। वहीं प्रीपेड मीटर की डिमांड बढ़ने से मीटर वालों ने इन्हें मर्सरीज तक गिफ्ट कर दी थी। इनके प्रॉपर्टी को देखकर जाँच टीम भी आश्चर्य में है। इससे पहले आईएएस संजीव हंस के कई ठिकानों से कई दस्तावेज भी बरामद किए गए थे, जिसमें अन्य आईएएस अफसरों से लेनदेन के सबूत हैं। आज मॉनसून सत्र के तीसरे दिन सदन में झाल लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायक। आज बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन था। सत्र के शुरू होते ही विपक्षियों ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करने लगा। इस मांग को लेकर सदन में खूब हंगामा देखने को मिला। इससे पहले कई विपक्षी नेता झुनझुना लेकर पहुंचे थे,
लेकिन आज सदन में कांग्रेस के विधायक राजेश राम झाल लेकर पहुंच गए और उसे बजाना शुरू कर दिया। इसे देख स्पीकर ने विपक्षी नेता को खूब फटकार भी लगाई, साथ ही सदन से बाहर निकलवाने की चेतावनी दी। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार ने बिहार की अनदेखी की है। बिहार को इस बार आम बजट में कुछ नहीं मिला है। भाजपा विधायकों ने सम्राट चौधरी से अफसरशाही हावी होने की शिकायत। बिहार भाजपा की तरफ से पार्टी के विधायकों की बिहार विधानसभा मॉनसून सत्र के बीच एक रूटीन बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में सभी विधायकों ने अपनी समस्या बताई। इस दौरान कई विधायकों ने राज्य में अफसरशाही हावी होने की बात कही है। इस दौरान पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के विरुद्ध भी शिकायत सामने आई है। इनकी शिकायत भाजपा विधायक जीवेश मिश्रा द्वारा की गई है। इन्होंने कहा है कि मैं अपनी बातों को लेकर उनके पास जाता हूँ तो वो हमारी बातों को नहीं सुनते हैं या सुनकर भी सुना कर देते हैं। आगे उन्होंने कहा कि यदि अफसर की हमारी बातों को नहीं सुनेंगे तो जनता की समस्या का निवारण कैसे होगा। इस दौरान सम्राट चौधरी ने विधायकों की हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया और कहा कि उनकी बातें सीएम नीतीश के सामने रखी जाएंगी। पीसीबी ने बीसीसीआई को अपनी टीम पाकिस्तान भेजने के लिए मनाने का काम आईसीसी पर छोड़ा। अगले वर्ष चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है। इसके लिए पीसीबी ने बीसीसीआई को अपनी टीम पाकिस्तान भेजने के लिए मनाने का काम आईसीसी पर छोड़ा है। चैंपियंस ट्रॉफी के बजट को कोलंबो में हुई आईसीसी की बैठक में मंजूरी मिली है। वहीं बीसीसीआई ने कहा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना पूरी तरह से भारत सरकार का निर्णय है। आपको बता दें कि इससे पहले भी पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाले एशिया कप में भारत ने अपनी टीम भेजने से कार किया था। इस वजह से टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के आधार पर आयोजित हुई और टूर्नामेंट श्रीलंका में आयोजित की गई थी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जन के नाम है सौरभ कुमार, ओम प्रकाश, मोहम्मद असगर कमाल, रंजीत मिश्रा, उमेश ऋषिदेव, गुनर शर्मा, रात के सोर महतो, वरुण कुमार, प्रेम कुमार, रवि कुमार राम, बिट्टू कुमार, अनवर करीम खान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, कई विधायकों ने बिहार में अफसरशाही हावी होने का आरोप लगाया है, इस पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।